एक्चुअली लोग कहते हैं कि डबल रोल है, मैं कहता हूँ ट्रिपल रोल है। तो फॉर स्वाति देयर आर थ्री मेन। स्वाति इज हैविंग अ पार्टी। अभिषेक को अगर आप देख रहे हैं ये पर्सनली, बहुत शुक्रिया साहब, बड़ा बड़ा थैंक यू। लंच के बाद अगर खाने का सीक्वेंस है, लंच ब्रेक के बाद, तो भूल के भी लंच मत कीजिएगा। ये लूडो का 99 पे जाके सांप काटता है। साहब मेरे पुरखे पूर्वज जो रहे उन्होंने कुछ तो अच्छे ढंग के काम किए हैं, जिसके क्या कहते हैं अजर में, जिसके पुण्यों के चलते मैं ये जिंदगी जी रहा हूँ, जहाँ पे मुझे गाहे बगाए बहुत खूबसूरत बड़े और अपने काम के माहिर लोगों से मेल मुलाकात करने का मौका मिलता है। आज नेटफ्लिक्स के तत्वाधान तले दो जो बड़े दरख्त हैं एक्टिंग के, और उनके छाँव में आज हमें बैठने का मौका मिला है, मनोज भाई और कौन कोना। थैंक यू, सच अ लवली इंट्रोडक्शन। इनका नाम उसे कोको बुलाइए। जी हम वही थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन भी था, एक मुझे थोड़ा सा सिखा भी दीजिए हम सबके बेहतरी के लिए कि वो अच्छा। उसका सही उच्चारण क्या है, प्रोनाउंसिएशन कैसे होता कोको का है? जी कोको का तो पता है को एंड को को एंड को कौन कोना का है। एक्चुअली द इजीएस्ट ट्रिक इज यू नो किंग कॉन्ग जी, हांगकांग कि बहुत प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो जाता है, सबसे नहीं होल्ड हो पाता। जैसे कि एक जनरल हिंदी के बारे में भी एक परसेप्शन है कि ये पूरा हिंदी बेल्ट है, उसमें बहुत डायलेक्ट है। जैसे कि जो हम हिंदी बोल के आ रहे हैं और जो मनोज भाई ने जो सीखी होगी उसमें बहुत फर्क है। जैसे कि हमारे यहाँ पे पैसे नहीं होते, पैसे होते हैं। पैसे हाँ पैसे लगेंगे भाई। हमारे यहाँ पे शराब नहीं होता, शराब होता है, शराब होता है। वो जब मैं दिल्ली आया बिहार से, तो हिंदू कॉलेज ड्रामेटिक सोसाइटी में एक प्ले हो रहा था, तो उनको मेन रोल के लिए जो डायरेक्टर था उसने कहा कि तुम प्ले करो। तो मैंने अपना डायलॉग बोलते बोलते कहा कि शराब जैसी चीज़ जो है क्या कहिए। तो उन्होंने कहा कि एक सेकंड, इस आदमी को तुमने मेन रोल दिया, ये आदमी कैसे मेन रोल करेगा, नहीं इसको नहीं दे सकते। तो उस टीचर ने इमीडिएटली शी चक्ड मी आउट ऑफ द प्ले एंड गो एंड वर्क ऑन योर लैंग्वेज। सो लैंग्वेज जैसे ये कह रहे थे कि हर जगह के हिंदी अलग है, यूपी में भी अलग अलग डायलेक्ट है। जैसे मतलब ओमकारा के लिए मुझे सीखना पड़ा बुंदेलखंडी, बहुत टफ था ओमकारा के लिए। वो मेरे ख्याल से वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी में एकदम अलग है वहाँ पे। मतलब मेरे लिए तो काफी मुश्किल है, ईस्ट से है हम तो हिंदी मुश्किल है। नहीं वो, और वो उसमें कुछ जजमेंट वाली बात ही नहीं है वो। हाँ, सब जगह का अपना ये कि कोई वो, और वो मतलब मुझे भी, क्योंकि मेरे से भी बहुत बार इंग्लिश जो है कई बार अटक जाते हैं, बोली नहीं जाती कुछ। हाँ, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट में बिल्कुल हर बार वहां दो राय पे खड़ा होता हूँ कि ये किधर जाती भाई। कैसे बोला जाएगा। बुंदेलखंडी तो आपको बहुत अच्छी आती होगी, आपने काफी अच्छी आती नहीं, मैनेज कर लेता हूँ क्योंकि दो दो फिल्में की हैं। द फर्स्ट वाज बैंडेड क्वीन अभिषेक के साथ में। तो ये मेरा मिलना जो हुआ वो पहले तो मैंने कहा कि यार इसमें तो कैमियो है अभिषेक, मैं क्या करूँगा इसमें। तो उसने कहा सर ये कैमियो नहीं है, जो मैं देख रहा हूँ वो अलग ढंग से देख रहा हूँ, आप एज एन एक्ट्रेस को देख रहे हो, बट ये आप कर लो, आँख मूंद के कर लो, बाकी अब मेरे बच्चों मैंने छोड़ दिया। बट देन आई रियलाइज दिस इज वन ऑफ माई बेस्ट परफॉर्मेंस। उसके बाद आपने रे भी किया, रेव किया उनके, फिर उसके बाद रे का कहानी की थी हमने। लेकिन एंथोलॉजी करने का मतलब जो मैं हमेशा कहता हूँ, एंथोलॉजी का ये होता है कि आप अपनी कहानी को शिद्दत के साथ बना रहे हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी कहानी को देखने के लिए दर्शक जाएंगे। जैसे ही दर्शक को एक कहानी अच्छी नहीं लगी तो वो आगे जाता नहीं है, और पता चला कि जो अच्छी नहीं लगी ठीक उसके बाद ही आपकी है। वो अलग अलग नहीं है, एपिसोड जैसे नहीं है ना, वो तो एक साथ ही है। अच्छा ये मैंने सुना आपका डबल रोल वाला भी सीन है कुछ इसके अंदर। एक्चुअली लोग कहते हैं कि डबल रोल है, नेटफ्लिक्स भी कह रहा है डबल रोल है, मैं कहता हूँ ट्रिपल रोल है। थोड़ा समझाइए। सो अगर मान लीजिए एक जाकिर है और एक मैं हूँ, अब मुझे जाकिर बनना है, ठीक है भाई, जब मुझे जाकिर बनना है तो मैं एग्जैक्ट नकल तो नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं जाकिर के जैसा होने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे वाह। जो बन रहा है वो तीसरा है।
थोड़ा जाकिर थोड़ा मनोज कभी कभी ज्यादा जाकिर हो जाता है, कभी ज्यादा मनोज हो जाता है। उसमें इनकंसिस्टेंसी भी मैंने कोशिश की थी लेके आने की, जैसे उसके वो लिंप करके चल रहा है तो वो कभी भी कभी भी शिफ्ट होता है लिंप उसका। अरे यार तो फर्स्ट स्वाति देयर आर थ्री मेन, फर्स्ट स्वाति देयर इज प्रभु, देयर इज उमेश एंड देयर इज प्रमेश, उसका नाम दिया था प्रमेश, बीच में हां स्वाति इज हैविंग अ पार्टी, स्वाति इज हैविंग अ पार्टी। लेकिन इसमें ह्यूमर है, क्वकीनेस है, इसमें ड्रामा मेजर है, थ्रिलर का एलिमेंट भी थ्रिलर ही है। वी डिडंट यूज द वर्ड अर्लियर बट इट्स लाइक अ थ्रिलर। कोको अब तो आप भी डायरेक्ट करती हैं है ना, और एज एन एक्टर बड़ा एक कुछ लोग उस तरफ जा पाते हैं, कुछ लोग नहीं जाना चाहते, तो जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हाई डिड यू स्टार्टेड डायरेक्टिंग एंड व्हेन यू डायरेक्ट योरसेल्फ देन इज इट डिफिकल्ट टू गो बैक टू समबडी एल्सस डायरेक्शन, किसी और के सेट पे जाना फिर से ऐसा लगता है कि नहीं, ये ना बहुत अच्छा मेरा डिसिप्लिन रहा है बिकॉज आई वॉज एक्टिंग फॉर सो लॉन्ग बिफोर आई स्टार्टेड डूइंग डायरेक्शन दैट आई वॉज वेरी यूज टू बींग एन एक्टर एंड दैट डिसिप्लिन एंड दैट डिटैचमेंट कि ये मतलब दिस इज समबडी एल्सस विजन, आई डोंट हैव टू कंट्रोल एवरीथिंग। लेकिन डायरेक्शन का क्या हुआ, आई हैड जस्ट हैड माई बेबी, तो एक तो नेचुरल पॉज आ ही जाता है, तो जब मेरा बेटा हरुण एकदम छोटा था तो उस टाइम काम भी कम था, तो आई वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन रीडिंग राइटिंग, यू नो देर वॉज इज वन स्टोरी माई फादर हैड टोल्ड मी इन माई चाइल्डहुड विच आई हैड लव्ड, तो वो पता नहीं दिमाग में बार बार वो मतलब आता था एंड आई स्टार्टेड डिवेलपिंग दैट विद माई फादर एंड देन इट बिकेम लाइक अ स्क्रिप्ट यू नो, एंड फिर मैंने ये भी सोचा कि कोई और स्क्रीन राइटर के पास जाते हैं उनसे लिखवाते हैं, तो जब मैं गई भी थी एंड एक दो जन ने मुझे कहा कि नो यू नो द वर्ल्ड एंड द स्टोरी वेरी वेल, यू ओनली हैव टू राइट इट, तो देन आई गॉट वन असिस्टेंट, वन ब्रिलियंट असिस्टेंट, शी टर्न आउट टू बी दिशा रिंदानी, वंडरफुल एसोसिएट, एंड वी रोट द स्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग एंड देन लगा अब तो डायरेक्शन देना ही पड़ेगा, इतनी मेहनत से लिखे हैं हम भी, किसी और को कोई और को क्यों दे, है ना भाई, अब तो मेरा खून पानी डल चुका है इसमें, हाँ अब तो करना ही पड़ेगा भाई, ये होना चाहिए। अभिषेक अभिषेक चौबे, हनी त्रिहान, who were earlier with Vishal Bharadwaj, they were my producers, my first producers. Because उसके पहले script बहुत जन के पास मैंने जाके narrate किया, सब बोले कि बहुत अच्छा script है, लेकिन हम नहीं बनाएंगे। This is we are talking about Death in the Gun. Death in the Gun. बहुत खूबसूरत film है, अगर आपने अब तक नहीं देखी तो जरूर जरूर देखिएगा। Thank you. And then how did you like ये show की बात कैसे चली, यहाँ से कैसे? ये show मतलब अचानक से मुझे call आया अभिषेक से, and then he said, you know, I have this show I am directing, will you read it? I was jumping for joy. I said, yeah, of course. And with Manoj, because Manoj and I have both been acting for decades. We have both been in the industry for decades. नहीं, साथ में काम कभी नहीं किया था. कभी नहीं किया. इससे पहले कभी नहीं हुआ है. पता नहीं क्यों. Thank God, Abhishek. You know. Abhishek को अगर आप देख रहे हैं ये personally बहुत शुक्रिया साहब. बड़ा बड़ा thank you. सिर्फ ये करने के लिए बताओ. वरना तो miss हो जाता हमसे हैं. तो एक चीज जो हमको समझ में आ रही है कि शो का नाम साहब है किलर सूप. किलर सूप. ठीक है. किलर सूप नाम है तो इसमें क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा बताएंगे क्या हमको? सूप का एक मामला है बड़ा कैरेक्टर. एक्चुअली सूप पिया है ज्यादा मनोज ने ही, थैंकफुली मैंने बनाया, इन्होंने पिया. तो आप बना रही हैं उसमें? मैं सूप, बना रही हूँ पाया सूप. अच्छा, अरे वाह, पाया सूप बना रही है. हाँ, एक्सेप्ट वो मतलब शी इज नॉट सच अ गुड कुक. लेकिन मनोज को पीना पड़ता था यार, जो भी हो. ये हमारे पापा ने हम क्योंकि हम म्यूजिकल फैमिली से आते हैं, तो उन्होंने हमारे पापा ने एक बार कहा था कि बोले जब इंसान जब मर जाता है ना तो उसको नहीं पता होता कि वो मर गया, पर उसके आसपास वालों को बड़ा दुख होता है. बोले ऐसे ही बेसुरे लोगों के साथ कि उनको नहीं पता कि वो कितने बेसुरे, पर आसपास लोग जो है वो झेल रहे. तो ये क्या सेट पे आपको असली में भी सूप पीना पड़ रहा था? हाँ, इनको बहुत पीना पड़ा. मैं ऐसे माय कैरेक्टर हैज मेड द सूप, कांस्टेंटली कमिंग एंड गिविंग हिम द सूप, ही इज कांस्टेंटली हैविंग टू हैव द सूप एंड हैव एसिडिटी. ये एक्टिंग जो मैं दूसरे लोगों को देखता हूँ, और मैं तो बहुत कम काम किया तो उतना कोई मेरा है नहीं मतलब एक्सपीरियंस, पर मैं देख रहा हूँ कि जैसे टेक में आपने कोई चीज़ कर दी कि जैसे अभी आपने ये चाय पी ली सर इसमें, ठीक है,
अब ये जितनी बार रीटेक होगा उतनी बार आपको चाय पीनी पड़ेगी, ये इसमें कोई अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, और बहुत बार कोई प्रोडक्शन का खाना कोई बहुत टेस्टी काम पूरा शूटिंग का काम जुगाड़ का काम है, सब कुछ थूक से। लेकिन एक चीज में तो बिल्कुल केयरफुल रहे आप कि देखिए लंच के पहले अगर खाने का सीक्वेंस है तो जरूर खा लीजिए, मतलब खाने का सीक्वेंस कर लीजिए कि आप लंच ठीक है लंच नहीं खाऊंगा या पेट भर चुका है, लेकिन लंच के बाद अगर खाने का सीक्वेंस है, दिस इज द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ वेटरन एक्टर, है ना, लंच के बाद खाने का सीक्वेंस, लंच के बाद अगर खाने का सीक्वेंस है लंच ब्रेक के बाद, तो भूल के भी लंच मत कीजिएगा, आपको अपने जो 6-7 टैंक देंगे आप उसके लिए खाइए, फिर जब इनका क्लोजअप हो रहा है आपका शोल्डर तो मूव होना चाहिए, तो ऐसे ऐसे नहीं चला जाएगा खाना फिर साइड साइड से फेंक दो। सही बात है, क्योंकि मैं बहुत बार फंस चुका हूँ और मैं भुखड़ किस्म का इंसान रहा हूँ, तो लंच भी खाऊंगा और जब वो टेक हो रहा है तो वो भी खाऊंगा, लेकिन एंड द प्रॉब्लम विद शूटिंग फूड इज दैट यू नो वेदर इट्स गुड और वेदर इट्स बैड इट्स टेरिबल, बिकॉज इफ इट्स गुड ऑल्सो द शूटिंग फूड इज गुड यू कांट यू नो यू आर नॉट अलाउड टू यू हैड वन बाइट कट हो गया तो यू कांट कीप ईटिंग इट एंड फिनिश इट। दूसरा एक जो चीज होती है वो ये कि अगर मान लो कि आपने आधी रोटी खा ली तो अब जब कट होगा तो वो शुरू से होगा तो बेचारा कोई है जो रोटी बना रहा है वो उसे रिप्लेस कर देगा, आप खा चुके 5-6 रोटी पर आपका सीन चालू फिर चालू फिर वो अब आधी रोटी खानी है, ये लूडो का 99 पे जाके सांप काटता है। आप लोगों को खाने पीने का क्या शौक है, कैसे है आपका मिजाज है साहब, ये बताइए थोड़ा सा। ये तो खाती नहीं है, मतलब ये अपना जो है डाइट का पूरा पूरा सी मैं कोको से कहता है कोको बहुत ये आप कह रहे हैं माय गॉड अनबिलीवेबल प्लीज बताइए 1 सेकंड खाना खाने के बाद धूप में 1 घंटा कौन दौड़ता है मनोज वाजपेयी क्या बात कर रहे हो एंड ही इज टॉकिंग अबाउट डिसिप्लिन एंड डाइट। जब तक वो सूप खत्म होने वाला था तो अब सूप के बाद मैं थोड़ा सा वेट लॉस की तरफ जाना था मुझे, क्योंकि मैं जोरम कर रहा था तो मुझे बहुत ड्रास्टिकली उसमें लूज करना था। मैंने कहा यार शूटिंग तो मेन हो चुकी है, अब जो है कैरेक्टर फिट हो गया सूप का, नाउ आई कैन अफोर्ड टू लूज। वो कुछ इतना लूज हो कर लिया था कि वो ऑल्टर करने लगे थे वो लोग मेरे सारे कपड़े। पर ये आप पे इल्जाम क्यों है कि आप बहुत डाइट करती हैं और ये सब? पता नहीं क्यों, मैं तो खाती रहती हूँ, मैं थोड़ा बहुत इंटरमिटेंट फास्टिंग में करती हूँ, आजकल यही ट्रेंड है, अब मैं भी कर रही हूँ। बट नहीं पड़ता है साहब, कोई उसका दूसरा इलाज नहीं है, इलाज ही है एग्जैक्टली। या आप दौड़ो नहीं तो आप कम खाओ, भूखे रहो लोहा उठाओ, यही है बस जीवन। एक्टर का बड़ा अजीब चक्कर है यार कि आप एक खास वजन से ज्यादा आप कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि आप उसको थोड़ा ज्यादा इंडल्ज कर जाओ खाने में। जैसे मुझे बहुत मजा आता है भाई, पर जमाने की नेमत, जमाने का पैसा, दुनिया बिछी पड़ी है पैरों में और खाना नहीं खा पा रहे, नहीं खा पा रहे। लानत है, लानत है यार, क्या जीवन है ये बताओ, क्या दुख। लेकिन अच्छा है जाकिर यार, जैसे उसका तरीका मैंने निकाला जो कि मैंने आपको बताया था कि खाना जो है लंच करो दबा के, हाँ खाओ खूब सारा खाओ, खाओ ना मतलब जैसे मुझे अभी दिख रहा है खाना, मुझे भी दिख रहा है अभी लंच टाइम भी हो गया होने वाला है, मुझे जो है आलू गोश्त दिख रहा है इस समय। मैं मटन स्टू पे था पर मैं मूव कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आलू गोश्त के, आलू गोश्त की तरफ आ रहा हूँ। दोनों खा लेंगे क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अभी एक शूटिंग की थी किसी और चीज की, तो वहाँ पे चिकन लॉलीपॉप बनाते थे बहुत कमाल का, और चिकन लॉलीपॉप और बिरयानी आप कभी भी मेरे सामने से लेके मत जाइए। अच्छा, क्योंकि मैं लेके जाने नहीं दूंगा। वाह बढ़िया। दो चीजें हैं मुझे लगता है इस पूरी दुनिया में अगर दो बेहतरीन चीजों का जो इन्वेंशन हुआ है वो एक चिकन लॉलीपॉप है और एक बिरयानी है। मेरा भी बिरयानी के साथ वही है, मेरा बहुत नजदीक का रिश्ता है बिरयानी से, क्योंकि वो एक तो क्या कि चावल और चिकन करेक्ट और मसाले में कितना ही खराब मसाला। हां करेक्ट, चावल एंड चिकन एक्चुअली यू नो इवन इफ इट्स फ्राइड राइस एंड चिली चिकन या इट्स स्टिल ओके, आई एम फ्लेक्सिबल, लाइक मैं तो यही करता हूं राइस एंड चिकन आई एम गुड। तो हमने तो मतलब मुस्लिम फैमिली से आप पले बड़े हो तो मतलब पनीर वनीर पता ही नहीं था हमको, तो करेक्ट हमें भी पता नहीं था यार। तो पहली बार हम एक दोस्त के घर गए, उसने इडली सांभर, उनके बर्थडे पे हम चले गए, इडली सांभर सर्व हो रहा था, तो उसने मुझसे पूछा कि जाकिर सांभर और लेगा क्या, मैंने कहा लेना तो मुझे है पर इसमें से सांभर कौन सा है। ये गोल वाला सांभर है कि ये सूप वाला सांभर है, मुझे बताओ पहले कि क्या हो रहा है। अभी हम लोग 2 महीने शूटिंग किया मैंने एक फिल्म की लखनऊ में, लखनऊ के बारे में आप मुगलई खाने के बारे में हमेशा बात करते हैं लेकिन कोई आपको बताएगा नहीं कि कल की मटन जो है वहाँ का सबसे बेहतरीन है। खाया साहब, पिछले महीने मतलब 2 महीने पहले गए थे, मजा आ गया था। पाया सूप जो है 4 बजे मैं पीता था,
पाया सूप जो आप बनाती हैं किलर सूप में वही वाला लेकिन अच्छे से बनती थी बहुत अच्छे से नॉट बाय स्वाति सेडी आप दोनों में से कोई कुकिंग का किसी को दिलचस्पी है आप मुझे कितना अच्छा कुकिंग करते हैं मनोज बहुत सही खाना बनाते हैं अभी शवाना ने सुना ना तो मुझे बहुत ही गाली पड़ने वाली थी ये सब तुमने क्या किया हुआ क्यों नहीं नो शी डजंट लाइक मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छा आज मैं बनाता हूँ नहीं 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 आई कांट टेक रिस्क बिकॉज शी हरसेल्फ इज सच अ फैंटास्टिक कुक टू योरसेल्फ यार ये बहुत सुंदर है मेरे घर में हमारे वालिद साहब और हमारी मम्मी के बीच में एक टसल है ठीक है कि मम्मी विल नेवर अप्रिशिएट जो हमारे पापा ने बनाया ठीक है उनका वो वाला रहता है कि वो फीडबैक एक एक बाइट एक 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 चबाने पे उनको फीडबैक चाहिए चाहिए कैसा कैसा लगा है आया स्वाद हाँ कमाल कर दिया व्हाइल ईटिंग इज वाचिंग व्हाइल ईटिंग इज लाइक यू लाइक सो मच अंडर प्रेशर की और पापा का सिर्फ खाना नहीं बनाना चाहते ना वो बेटर प्रूव करना चाहते हैं तेरी माँ तो भैया पेट भरने के लिए बनाती है खाना शौक से बनता है वो उधर जाते हैं रोज जो बनाता है उसके लिए शौक और बेशौक की वजह से मैंने क्या बोला था आपको हमें माँ का खाना जो है हमें जैसे जब हम बोर्डिंग से घर जाते थे तो जब बोर्डिंग से बाहर निकलते थे रिक्शा पे अपना सामान रखा तब से जो है माँ का खाना याद आना शुरू हो जाता था बाद में जब मैं बहुत बड़ा हुआ तो मुझे एहसास ही हुआ कि आपको माँ का खाना इसलिए अच्छा लगता था बिकॉज शी इज टू मेक इट विद सो मच ऑफ लव इट्स नॉट दैट आवर मदर्स वर ग्रेट कुक्स It's not that. It's just the way they used to make it for you. मेरा भाई गुस्सा हो गया माई को तुम कैसे कह सकते हो कि खाना उतना बढ़िया नहीं था मैंने कहा यार इतना ही मतलब दिल पे मत ले यार और मेरी भी माँ थी आर्ट और साइंस का मिक्स है खाना बनाना हाँ है ना बिल्कुल आप बनाते हो खाना मैं खाता हूँ बहुत शौक से वो तो हम सब खा लेते हैं तो आप लोग भी क्या सब लोग बोलते हैं ना कि शेफ खाना नहीं खाते और अपना बनाया हुआ नहीं खाते तो आप लोग क्या अपने बनाए हुए शोज या आप जिनमें आप हैं या इन जनरल कंटेंट कंज्यूम करते हैं आप कोको आप देखती हैं नहीं मैं ज़्यादा देखती नहीं हूँ खुद का काम ना मुश्किल ही हो जाता है देखना वो है। फिर बाद में आप देख नहीं पाते वैसे ऑब्जेक्टिवली आप कुछ और सोचने लगते हैं कि क्या हुआ था ये ठीक से होना चाहिए था नहीं हुआ है एक्सेट्रा बहुत ही मुश्किल है क्योंकि मेरे लिए प्रॉब्लम क्या होती है ना एक लाइन कोई बोली और मुझे लगा कि यार ये सुर जो है ना मेरा बीच में ये थोड़ा हाई हुआ इसको लो आना चाहिए था लास्ट वाले जो वर्ड है उसको मुझे थोड़ा सा और लो लेके जाना चाहिए तो माइंड वहाँ पे एडिट भी हो रहा है ना तो ये टेक से वो लाइन आया है दूसरे टेक से सेकंड लाइन आया है तो सब एनीवे तो बड़ा टॉर्चरस है अपने आप को देखना हाँ नहीं बहुत क्योंकि आप इंजॉय नहीं कर पाते हो ना पर क्या आप दूसरा कंटेंट कंज्यूम करते हैं I watch a lot of content. I watch a lot of stand-up. Not just yours, but even many others I have mentioned. And I last time I remember I didn't mention Uruj, and I wanted to mention Uruj Ashfaq also, who's very good. And other than comedy also, जैसे recently मैंने काला पानी देखा. साहब एक मिनट आप सिर्फ French फिल्मों के नाम बताइए. इतने अच्छे actors होके आप हमको हम ये तो हम भी देख रहे हैं काला पानी. तो आपका और हमारा choice same नहीं हो सकता. Please maintain some decorum. Please. ज़्यादातर जो है मतलब Netflix के लिए हमने ये शो किया जिसका नाम है किलर सूप और नेटफ्लिक्स के लिए जाकिर से बातचीत भी कर रहे हैं तो ज़्यादा डिटेल में बता नहीं पा रहे हैं तो हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते इतना ऑनेस्ट थोड़ी होना होता है यार मनोज भाई यार मुझे तो रेलवे मैन मेरे ख्याल से नेटफ्लिक्स का ही है ना जी बिल्कुल इसका पूछने का जो संदर्भ था कॉन्टेक्स्ट था वो ये कि मैं जानना चाह रहा हूँ कि एज एन ऑडियंस क्या बताएंगे कि जो किलर सूप है वो क्यों देखना चाहिए और उसके क्या बात है अगर वो मुझे वो आर्टिस्टिक व्यू मत देना मुझे अकॉर्डिंग टू मी तो कहानी ही किलर है अच्छा बिकॉज ये हेडलाइन से लिया हुआ है एक मतलब इंस्पायर्ड बाय दिस क्रेजी हेडलाइन सो आई थिंक एंड यू नो एक्टर्स बहुत अमेजिंग है अदर देन अस यू नो बिकॉज़ देयर आर सो मेनी because other than Manoj and me there's so many actors because there's so many tracks and so many actors who you don't normally get to see a lot of so it's a treat actually for audiences mashallah pagalpan hai bahut na iske pehle na bhuto na bhavishyati wah
हाँ, मतलब उस तरीके का है। मैंने इस तरह का काम कभी किया नहीं है, मैंने इस तरह का, इस तरह की दुनिया जो है किसी और शो में देखा नहीं है। हिंदुस्तान का तो छोड़ ही दो, मैं बाहर के देशों की भी बात कर रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि इसलिए भी लोगों को देखनी चाहिए। और दूसरा, जैसा कि कोको ने कहा, तमिलनाडु, केरला, बेंगलोर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, नॉर्थ इंडिया, हर जगह के कलाकार हैं इसमें। वाह क्या बात। सो ये ट्रूली पैन इंडिया शो है। कभी कभी तो मतलब कभी कभी लगता था जैसे कि कोई शेक्सपियर के प्ले कर रहे हैं हम। वाह, कभी कभी ऐसा लगता था। दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट टू द राइटर्स एंड द डायरेक्टर। वाह साहब जी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मेरे ख्याल से आप लोगों के पास वक्त है, जरूर जरूर देखिए। अगर नहीं वक्त है तो निकाल कर देखिए। किलर सूप नाम का शो है, नेटफ्लिक्स पे ऑलरेडी स्ट्रीम कर रहा है। हाँ साहब, आप लोगों की तरफ से भी अगर रिकमेंडेशन हो जाएगा तो प्लीज वॉच आवर शो किलर सूप, स्ट्रीमिंग नाउ ऑन नेटफ्लिक्स।